सामने क्या अपन होप सो कि आप लोग ठीक ठाक हो गए, बेहतरीन चल रहा होगा सब टेंट पे। अच्छा जी, जो आज का हमारा सेशन है वो है 3PL के बारे में। मोस्टली बच्चे पूछते हैं 3PL होता है क्या, काम कैसे करता है। मैंने थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी सेशन जो है वो पहले भी इस पे रिकॉर्ड किया था, लेकिन आज कुछ टॉप 3-4 कॉमन क्वेश्चन जो मुझे बच्चे पूछते हैं मैंने वो आज आपके पास नोट किए, और मैं इंशाल्लाह ट्राई करता हूँ वन बाय वन आपको बताऊं ये इसका मतलब क्या है, कैसे आपने इसको यूज करना है, ठीक है, और आप हायर किसी को कैसे कर सकते हैं, और हमें ये क्यों हायर करनी चाहिए, ठीक है। ये मेन जो है वो इश्यूज थे जो मोस्टली बच्चों के एंड पे जो है वो हमें देखने को मिले थे। खैर जी, हम विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलते हैं। नहीं, जो पहला क्वेश्चन था कि 3PL होता क्या है, समझ लें कि आप जो है वो जब हम यहाँ पे रह बैठ के जो है वो पाकिस्तान में यूएसए में काम करना चाह रहे हैं, तो जब हमें इन्वेंट्री अमेजोन पे भी भिजवानी है तो अगर हम अमेजोन से ये सर्विसेज लेते हैं 3PL की, ठीक है, कि हमारी इन्वेंट्री जाए अमेजोन उसकी इंस्पेक्शन करे उसको लेबलिंग करे, तो अमेजोन अराउंड $1 से $1.5 हमें पर प्रोडक्ट चार्ज कर सकते हैं। तो समझ लें कि अमेजोन से 50% कम प्राइस हमें मिल जाती है अगर हम किसी 3PL की तरफ से लेते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी, इसको लॉजिस्टिक जो है वो कंपनी बोलते हैं, तो थर्ड पार्टी होती है जो हमारी लॉजिस्टिक कंपनीज को जो है वो हैंडल करती है, हमारी लॉजिस्टिक्स जितनी भी होती हैं। लेट्स सी कि हमें कोई एक प्रोडक्ट मंगवाई है चाइना से, हमें उसको पूरी इंस्पेक्शन करवानी है, ठीक है, कुछ ब्रेक है तो वो निकाल दें, बजाय इसके कि अमेजोन पे जाए और जब टूटी हुई है जब वो वापस आएंगी तो उस पर हमें जो है वो चार्ज करेगा अमेजोन, उस पर भी हमें जो है वो पैसे जो है वो देना पड़ेंगे। तो ये कुछ मैंने पॉइंट बनाए हुए थे 7-8 के, किस चीज के लिए जो है वो हमें जो है वो इसकी जरूरत होती है या ये हमें क्या सर्विसेज देते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले रीपैकिंग, अगर आप अपनी प्रोडक्ट कहीं से बाय करते हैं, ठीक है, आप आर्बिट्राज कर रहे हैं या आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं जिसके लिए आपको रीपैक करना होता है, तो आप वो सर्विसेज जो है वो 3PL से लेते हैं, उनके पास इन्वेंट्री बेच के अपनी जो है वो रीपैकिंग करवा लेते हैं। सेकेंड होता है FNSKU वगैरह लेबलिंग के लिए, ठीक है। लेबलिंग क्या होती है, एक प्रोडक्ट है आपकी और उस पे अमेजोन कहता है भाई इस पे अमेजोन का एफएसएन जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में आप लगा के भेजें, तो वहां पे हमें जरूरत पड़ती है लेबलिंग के लिए। इस पे मैंने पूरी इन डिटेल वीडियो बनाई है कि प्रोडक्ट क्या आपने FBA पे भेजी हो तो कैसे लिस्ट करना है, मैं थंबनेल में भी उसका लिंक आप लोगों को जो है अभी लगा देता हूँ, आप उसको भी देख लें, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा कि आपको जो है वो प्रोडक्ट लिस्ट करके उसकी लेबलिंग और FNSKU कहाँ से लेने होते हैं। जब आप FNSKU जनरेट कर देते हैं और आपको अमेजोन FNSKU जो है वो दे देता है अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट जितनी भी होती है, फिर वो आप वेयर हाउस को दे देते हैं, वेयर हाउस को प्रिंट करके तो आपकी वन बाय वन प्रोडक्ट पे वो स्टिकर फॉर्म में लगा देता है। सेकेंड होता है कि आपके बॉक्स, जो बॉक्स जिसमें वो सारी प्रोडक्ट इकट्ठी की जाती है उस बॉक्स पे भी एक लेबल लगता है, उसको बॉक्स लेबल कहता है, तो ये दोनों चीजें जो है वो आपकी लेबलिंग में आ जाती हैं। अगर अमेजोन सिर्फ आपकी जो है वो FNSKU लगाता है तो अमेजोन एक FNSKU का आपको 55 सेंट चार्ज करता है, जो कि मार्केट में आपको 30-35 में मिल जाता है इजीली। तो समझे कि एक ही प्रोडक्ट पे आपके 20 सेंट सेव होंगे, 20 सेंट मीन कि आप 40 रुपीज पाकिस्तानी सेव कर रहे हैं मिनिमम, ठीक है। तो ये एक प्रोडक्ट है, अगर वो 100 प्रोडक्ट्स होंगी समझे कि आपने जो है वो इजीली $20-$30 जो है उससे सेव कर दिए, ठीक है। तो $20-$30 भी अगर आपके बचेंगे तो समझे $200 की आपकी इन्वेंट्री है, तो $20 अगर आपके लेबलिंग के ही बच गए तो आप समझे 10% डायरेक्ट प्रॉफिट आपका बढ़ गया। देन सेकेंड जो वो काम करते हैं FBA शिपमेंट्स, कि हमारी प्रोडक्ट पे लेबल करके उसको एक बॉक्स में पैक करके बॉक्स पे लेबल लगा के FBA पे शिपमेंट भी वो करें, ठीक है, जिसके लिए भी हम 3PL को, समटाइम हमें प्रोडक्ट पे लेबल नहीं भी लगाना होता, ऑलरेडी क्लाइंट के एंड पे जो लेबल लगा होता है उसी को जो है वो यूज कर देता है अमेजोन, वो कहता है ठीक है आपको एक्स्ट्रा लेबल लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करते हैं कि आप उसको उसी फॉर्म में जो है फॉरवर्ड करवा देते हैं, इंस्पेक्ट करवा के कि भाई ये ठीक है या नहीं है, इसमें कोई ब्रेक है तो वो निकाल दें। देन FBM के लिए, ठीक है, जो हम रीपैकिंग है जिसमें FBM करते हैं, हम ड्रॉप शिपिंग के लिए करते हैं या शॉपिफाई के स्टोर्स के लिए करते हैं, ठीक है, जो येलो पैक्स में हमें जो है वेयर हाउस पे रखी हुई प्रोडक्ट्स को भिजवाना होता है, जो FBM की सर्विसेज कहलाती हैं, वो भी ये सर्विसेज जो है वो 3PL सर्विसेज देती हैं या वेयर हाउसेज जो है वो हमें देते हैं। हमें स्टोरेज मिल जाती है, अगर हम अमेजोन की स्टोरेज लेंगे तो वो काफी एक्सपेंसिव पड़ेगी, ठीक है।
सेम प्रोडक्ट जो है वो उसी कंडीशन में अगर होगी तो आपको कम से कम भी 40-50% 60% तक भी लेस में जो है वो आपकी स्टोरेज आपको पड़ेगी और आप उसको लेके चल सकते हैं। देन आता है बी टू बी, ये मोस्टली सर्विसेज देते हैं बी टू बी में, ठीक है, वेयर हाउसेस। क्यों? कि ऑब्वियसली किसी एक सिंगल पर्सन को तो चाहिए ना, उसका बिजनेस है तो बिजनेस के लिए उसको चाहिए ना, तो ये बी टू बी देते हैं। ई कॉमर्स की इनकी सारी सर्विसेज होती हैं, ठीक है, मोस्टली रिटेल्स के लिए जो लोग काम करें, मीन होलसेल के लिए जो काम करें उनको ये सर्विसेज देते हैं। बल्क में अगर आपने प्रोडक्ट मंगवानी हो अपनी पीएल के लिए, जो प्राइवेट लेबल के लिए यूज होती है, तो उसके लिए हम जो है वेयर हाउसेज को यूज करते हैं, या उसके लिए वेयर हाउसेज जो है वो सर्विसेज हमें देते हैं। तो ये जो है एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन था कि वेयर हाउस होते क्या है, समझ ले 3PL जो है वो वेयर हाउस, हमें वहां पे एक जो है वो शॉप मिल गई है उस पे हमने काम किया। सेकंड मोस्ट जो है वो लोगों ने जो पूछा था क्वेश्चन वो ये था, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ 3PL, ठीक है, कि ये 3PL जो है वो करती क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ये हमारी प्रोडक्ट की जो है वो उसकी शेड्यूलिंग करेगी सारी की सारी, ठीक है, उसकी एग्जीक्यूटिंग करेगी, ठीक है, उसको रिसीव करेगी इन्वेंट्री को, उसकी पूरी इंस्पेक्शन करेगी, वेयर हाउस में लाके उसको जो है वो फर्स्ट टाइम रखेगी, फिर उसको सॉर्ट करके उसको मैनेज करेंगे, ठीक है। लेट्स सी 100 प्रोडक्ट है, उसमें से एक दो ब्रेक है, तो वो पूरी खोल के उसको चेक करेंगे विजुअल इंस्पेक्शन के बाद, जो उसमें टूटी हुई है या खराब है, जो बेचने के लायक नहीं है, उनके बॉक्स खराब है, पैकेजिंग खराब है, वो प्रोडक्ट निकाल के साइड पे कर देंगे, बाकी आपके प्रोडक्ट को जो है वो मैनेज कर लेंगे, आपकी जो सारी इन्वेंट्री होगी आपकी इन्वेंट्री को प्रॉपर मेंटेन करके देंगे। अगर उसको कोई किसी तरह की आपको एक्स्ट्रा पैकेजिंग चाहिए, वो आपको सजेस्ट करेंगे कि भाई ये आपका ब्रेकेबल है, इसको आपको बबल रैप करना है, या इसमें फर्दर भी जो है वो आपको कुछ ऐड करना है, या डबल बॉक्स करना है, ट्रिपल करना है, टूटे नहीं, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको एक प्रॉपर मेंटेनेंस करके जो है वो आपकी जो है वो प्रोडक्ट की देंगे। बाकी जो हमारे रिटर्न्स आएंगे उनको ये मैनेज कर देंगे, जितने भी रिटर्न्स हमारे आ रहे होंगे, जो आ रहे होंगे, वो सारे के सारे इनके पास जो है आने, फिर पिक कर लेंगे हमारी इन्वेंट्री को, उसको पैक करके शिप कर देंगे, ठीक है। पिक पैक शिपिंग जो है वो ये आसान फार्मूला होता है इसको समझने के लिए, ठीक है, हमारी प्रोडक्ट की जितनी भी नेसेसरी है। बंडलिंग वगैरह हमें करना होती है, ठीक है, लेट्स सी हमने प्रोडक्ट बाय की, क्लाइंट ने हमें एक एक सिंगल सिंगल प्रोडक्ट भेजी, जब अमेजोन पे 3 बिक रही है, 2 बिक रही है, ये 4 बिक रही है, तो वो उन चार चार या दो दो तीन तीन की बंडलिंग करके एक प्रॉपर अमेजोन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली ये जो है वो हमें प्रोडक्ट रेडी करके देंगे। फिर उसके बाद ये सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस जितने भी होते हैं उनके लिए ज्यादा इनके लिए बेहतर होता है। कुछ लोगों ने क्या किया होता है कि उन्होंने कहा होता है कि भाई मंथली मेरे 2 बॉक्स आएंगे एवरी मंथ, मुझे उसकी सब्सक्रिप्शन दे दें। नॉर्मली मेरे चार्जेस बनते हैं $100, आप मेरे से साल की सब्सक्रिप्शन ले लें, मैं साल की आपको एडवांस पेमेंट करता हूँ, आप $70 कर दें। तो सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस भी जो है ये बहुत ज्यादा जो है वो 3PL में चलते हैं, और इस काम में ये फायदा भी बहुत देते हैं। हमें हायर क्यों करना होता है? पहली चीज जो हमारी फिजिकल अपेयरेंस नहीं होती यूएस में, क्यों? हम बैठ के तो पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से काम करें, बट स्टोर चला रहे हैं हम यूएस में। जब हम यूएस में स्टोर चला रहे होते हैं तो हमारी फिजिकल एज सच अपेयरेंस नहीं होती, तो वहां पे हमें जरूरत पड़ती है वेयर हाउस की। क्यों? वो हमारे एंड पे प्रोडक्ट को रिसीव भी करेगा, उसको पैक भी करेगा, उसको शिप भी करेगा। अगर अदरवाइज हमें खुद उसको ये सारा काम करना पड़ेगा, जो कि हम किसी और कंट्री से बैठ के नहीं कर सकते। अब मोस्टली बच्चों के एंड पे क्वेश्चन होता है, हम 3PL को जो है वो हायर कैसे करें, ठीक है, आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है और यहाँ पे जाके लिखना है आपने FBA शिपमेंट, लेट्स सी जी, ठीक है, या FBA प्रेप सर्विस लिख लें, प्रेप सर्विस, नहीं आपने FBA प्रेप सर्विस लिखा, यहाँ पे लिस्ट भी ये आपको दे रहे हैं कि जो थर्ड पार्टीज देती हैं उनकी उन्होंने लिस्ट दे दी है, लेकिन ये एक हमारे पास आ गई है FBA प्रेप, 2-3 में ये सर्विसेज खोल लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको इनको कैसे रीच आउट करना है। अब देखें, जब आपने ये सारों की अभी जो है वो वेबसाइट्स हो जाती हैं, तो फिर इसमें यहाँ पे पहली चीज तो आपको देखने की जरूरत है कि ढूंढने के प्राइसिंग लिखा हुआ है, अदरवाइज ये नंबर है इनका, ठीक है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इसको क्लिक करें, ये नंबर जो है वो आपके पास कॉल पे आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज क्या करें, इस नंबर पे आप कॉल करें, कॉल करने के लिए यूज कर दें आप टेक्स्ट नौका फ्री एप्लीकेशन, ठीक है, यूएस कनाडा में आप फ्री कॉल्स कर सकते हैं, उसके थ्रू इनको कॉल करके इनके रेट्स ले लें, अगर ये प्राइसिंग नहीं है। अदरवाइज आप क्या करें, प्राइसिंग पे क्लिक करें और देख लें कि भाई
प्राइसिंग इनकी क्या है, यहाँ पे सारी प्राइसेस अगर इन्होंने दी हुई हैं तो वो बहुत बेहतर हो जाता। ओके जी, ये इन्होंने प्राइसेस दी हुई हैं, ये देखें जो है वो यहाँ पे $1 पर यूनिट होगा मिनिमम वॉल्यूम अगर आप आते हैं, अगर 15,000 यूनिट तक जाते हैं आप इसमें, ठीक है, जो इनका लाइट जो है वो है इनका प्रोग्राम। फिर इसमें जो है वो आप सारी इनकी देखेंगे, ये रिसीव भी करेंगे, इंस्पेक्ट भी, सारी ऑफर्स इन्होंने लिखी, फ्री इन्वेंटरी स्टोरेज और लिस्टिंग आपको इसमें नहीं मिल रही, ठीक है, सिर्फ शिपिंग प्लान, आपको ईमेल सपोर्ट देंगे, सपोर्ट चैट होगी, ठीक है, और फोन सपोर्ट इसमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन ईमेल सपोर्ट भी मिल रहे, दैट्स फाइन। और आपकी प्रेपिंग टाइम होगा 72 आवर्स, ठीक है, ये टाइम लेगा, और पर जो है वो $1 पर यूनिट आपको होगा। अगर आप ज्यादा है तो आप कस्टम में आप इनसे ले सकते हैं, और अगर आप 1 लाख तक का यूनिट है आपका तो देन आपको 90 सेंट करेंगे, और 50,000 तक का है तो 95 कॉस्ट करेंगे, ठीक है। याद रखें ये जो है वो मिनिमम अपना लेवल यहाँ पे बता रहे हैं 15 जो है वो 100, बाकी इनको देख लेंगे तो आपको मजीद पढ़ लें यहाँ से ये सारी चीजें, ये क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूडेड है, ये देखें बबर है वगैरह है, ओवर साइज वगैरह है, ये नहीं है, कॉटन फॉरवर्डिंग इसमें जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, जो ये इन्होंने ऊपर प्राइस दी है, इसमें सिर्फ यही चीजें जो है वो आपके इंक्लूडेड हैं, जो भी आप इनमें से लेके चलना चाहेंगे। इसमें से कोई भी आपको लेना हो कॉन्टेक्ट अस पे करेंगे तो ये फॉरन दे देंगे, डेमो सर्विसेज लेनी है तो आप डेमो पे क्लिक करें तो आप इनसे जो है वो डेमो सर्विसेज ले सकते हैं, लेकिन इनकी देखें सबसे अच्छी बात ये कि मिनिमम 15,000 ले रहे हैं, इससे कम लेते ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना फोन नंबर वगैरह सारी चीजें इन्फॉर्मेशन दे दें, या आपको दे देंगे, अदरवाइज ईमेल यहाँ पे कर दें या इनको कॉल कर दें, तो ये तरीका होता है आपको चेक करने का। आप सेकंड की तरफ जाते हैं, रिप्राइसर एक्सप्रेस है, यहाँ पे हम इसकी जो है तो प्राइसिंग देखते हैं, और अब प्राइसिंग में आते हैं तो ये यहाँ पे देखें, नहीं ये तो टोटली ही अलग चीज है, यहाँ पे आप देखेंगे ई फुलफिलमेंट सर्विस, और यहाँ पे सर्विस में एफ बी ए प्रेप पे आप आ जाएंगे, ठीक है, और फिर ग्रो योर बिजनेस एंड देखते नहीं यहाँ पे कहीं पे हमें प्राइसिंग, प्राइसिंग इन्होंने नहीं दी हुई, प्राइसिंग के लिए आपको जो है वो इनसे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट के लिए गेट कोड पे क्लिक कर दें, अदरवाइज जो है आप इनका नंबर देखें ऊपर नीचे, कहीं ना कहीं जो है वो आपको नंबर भी मिल जाएगा, और कुछ पे यहाँ पे चैट का ऑप्शन भी मिल जाता है, याद रखें, ठीक है, ये नंबर है इनका, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इनके फेसबुक वगैरह आपको भी आप कॉन्टेक्ट करना चेक कर सकते हैं, और यहाँ से एक दफा फिर आप देख लेंगे नीचे कि कहीं पे जो है वो इनके पास प्राइसिंग का तो नहीं है, कंपनी, हाँ जी ठीक है, अभी ये प्राइसिंग वगैरह इनकी नहीं है, ठीक है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, गेट कोड से करके इनसे प्राइसिंग ले लें या कॉल कर लें तब भी आप प्राइसिंग ले सकते हैं, इस तरह से भी ले सकते हैं। फिर ये एक अमेजोन जो है वो सोल्यूशन है, इन्होंने डायरेक्ट प्राइसिंग दी हुई है, इसकी प्राइसिंग पे हम क्लिक कर देते हैं। ओके, प्राइसिंग कैलकुलेटर इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, वो कह रहे हैं कि आप अपने जो है वो प्राइसिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं, आप अपने यूनिट ऐड करें, ठीक है, और पर मंथ शिपमेंट ईच मंथ, ओके जी, ये लेट्स सी हम कहते हैं इसको कि भाई हमारे पास जो है वो 200 यूनिट्स आएंगे, तो देखिए 200 पे जो है ये अराउंड $1 जो है वो हमें प्राइसिंग लगा रहा है, $210 200 की जो है वो ले रहा है, जो कि मेरे हिसाब से ज्यादा है, ठीक है, तो इस अब ये कह रहे हैं आप ईमेल देंगे तो हम आपको फर्दर दिखाएंगे, ठीक है, तो आप ये भी कुछ दिखा रहे होते हैं कि आपको वो कहेंगे कि आप बाकी जो है वो प्राइसिंग आपको फिर हम दिखाएंगे अगर आप अपनी ईमेल देंगे, तो इस तरह से ये ईमेल कलेक्ट करके आपसे आपको फर्दर रीच आउट भी कर दे रहे हैं, तो ये तरीका होता है कि अगर आपने जो है वो अपनी फुलफिलमेंट सर्विसेज लेनी हो, 3PL की सर्विसेज लेनी हो, तो आप किसी को भी रीच आउट करके इस तरह से उसको सेटल अप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको काफी कुछ समझ आया होगा, फिर भी अगर कुछ चीजें रह गई हैं तो हमारे पास जो है वो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप रीच आउट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जो है वो पूरी गाइडलाइन मिल जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।